अरे तेरी के सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय और नहीं है सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस कैसे आप सभी कोई आई होप अच्छे होंगे सो गाइस आज का स्टार्टिंग ब्लॉग आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से ओह ये पंचर दुकान से तो लाक्स का में हवा नहीं है इससे पिछले वाला ब्लॉग सब देखे होंगे तो उसमें आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वोबल कर रहा था जब हम चला रहे थे तो ये रहो देखो भाई स्टेसी कितनी प्यारी दिखती है हाय हाय मेरे को तो बहुत औसम दिखती है गाइस ये चेक करो तो ये टायर देख रहे हो पूरा ये देखो स्मूथ क्या हो गया है अबे देखो अच्छा अच्छा उस दिन लगा था जिस दिन मुराबादी में ये देखो हाँ वो नहीं है ये कोई काट दिया है ये वही दिन का है जिस दिन वाला रिमिक्स किए थे बताओ भाई लोग मिलने आया था और ऐसे कर दिया रिमिक्स का है हाँ वहीं पर कोई कर दिया उससे पहले अरे हम डेली साफ करते हैं आपको पता नहीं चलेगा हाँ वही ना पहले नहीं था हमको लग रहा है कोई उछड़ा के साट दिया है नहीं 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 किसी चीज से ना बॉर्डर मार दिया है चाबी 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 से हो सकता है वही चीज ना बोलते हैं फोटो खिंचाओ सब करो लेकिन नुकसान मत करो मेरा भी जब कोई करता है ब्रेक को इधर उधर कर देगा सब वो वाला ढक्कन जो है ना ब्रेक ऑयल वाला उसको खोल देता है कोई कोई कितना है तो भाई मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी फ़ोटो खिंचाते हो सब ठीक है गाइस कि हाँ फ़ोटो खिंचाते हो अच्छा लगता है हम लोग को भी और आप लोग को भी अच्छा लगता होगा फ़ोटो खिंचाना सबका ड्रीम बाइक है पर यार आप लोग भी तो थोड़ा समझो कि ऐसा नुकसान करोगे तो फिर हम लोग को भी तो बहुत बुरा लगेगा ना ऐसा कर देते हो कौन करता है वो तो नहीं पता चलता है ना गाइस कोई तो करा के करके चल जाता है हम लोग जब बाइक को साफ सफाई करते हैं दिन भर तब हम लोग को पता चलता है कि भाई हाँ कुछ इस तरह से सीन हुआ है नहीं तो हम लोग को कैसे पता रहेगा तो कोई नहीं गाइस क्या कर सकते हैं भाई जब भी आप लोग आते हो फ़ोटो खिंचाने के लिए तो मैं तो यही बोलूँगा यार जब भी फ़ोटो खिंचाते हो अच्छा है कि फ़ोटो खिंचाओ यार अच्छा से हम लोग के साथ भी मस्ती से ही करो पर मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा ठीक से ये देखो स्क्रेचेस लगा देना ये कोई बात नहीं हुआ कोई चाबी से ना ऐसे करके कतोर दिया है भाई इधर देखो मेरा भी बहुत सारा है पर मेरा ब्लैक है इसलिए पता नहीं चलता है हम लोग को और एक यूनिक जगह खोज रहे हैं वहीं पे जाएंगे अभी और आप लोग को भी दिखाएंगे ऐसे तो वहाँ पे पहली बार ही जा रहे हैं आज यहाँ पे मैरिज हॉल है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है ओ एक बार अगर आप लोग पावर ले लेते हो तो उस टाइम पे ना निकाल लो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा पीछे मत करना क्योंकि पीछे करोगे तो फिर रिस्क है गाइज पहले करवाएंगे फ्यूल अप क्योंकि यार ओ हो भाई देख लो अपना तो 90 का फ्यूल रेंज दिख रहा है यानी आराम से 100 किलोमीटर चल जाएगा पर वैसा कुछ सीन नहीं है गाइज 100 किलोमीटर चलेगा नहीं अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद अभी दो पावर यानी दो थ्रोटल लेंगे खुइंग खुइंग ऐसा करके तो यहाँ पे 40 का फ्यूल रेंज ईजिली हो जाएगा तो वो दिखाते हैं अभी इसका फ्यूल नहीं है कम है तो ये फ्यूल अप करवा ले रहा है बाकी चलो फिर भाई हम लोग के लिए ना रिंग रोड ही मस्त है कि रिंग रोड में आराम से भगा सकते हैं चलो पिछले बार ना बहुत खराब फील हो गया था इस बार
साउंड सुन रहे हो इसका? गड्ढा ने एक ऊंचा बोलेंगे, बहुत बड़ा ऊंचा था तो देख के, तो हम लोग को नीचे साइड जाना है तो यहाँ से लेंगे। ओ माय गॉड, तबाही गाइस। अरे अरे एकदम भाई, तुम लोग एकदम क्या यार, तुम भी एकदम। तो यार हम ग्लव्स खोल लिए थे क्योंकि बिना ग्लव्स खोले ठीक नहीं होता है, दिए देंगे हम। अरे साला अंकल उंकल लोग पगलाया है का, सब इधर ला रहा है। देख रहे हो गाइस, 90 का फ्यूल रेंज था, दो बार दबाएं 70 का फ्यूल रेंज हो गया। इधर कुछ है क्या? अबे यहाँ क्या है? क्या चीज का इतना ज्यादा भीड़ है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, इतना ट्रैफिक क्यों है फालतू का? हाँ चक्का उठाएंगे भाई, अंकल तो खतरनाक बोलते हैं चक्का उठाइए। कहाँ यार, इस रूट में कभी जाम ही नहीं रहता है, आज कहाँ से जाम लग गया यहाँ। अरे तेरी के, रुके रुके अभी मेरा इधर दिक्कत हो गया। अरे भाई मेरा तो इतना ज्यादा इंजन टेम्परेचर हाई हो गया, बताओ अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो गया मेरा। रुक मेरा नहीं हो रहा है। अरे रुको जरा, सबर करो, नहीं होने वाला है। भाग यार, अरे धीरज तो नहीं होगा, नहीं। चलो स्टार्ट हुआ, साइड हो, दिमाग खराब कर दो। हटो यार, स्टार्ट हुआ है तो। भाई थोड़ा सा भगाते हैं, इंजन टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे मरसल्ली पहाड़ बोला जाता है, ये फेमस है इधर रांची में, आप लोग पूछोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? ओ कई रुपए लेते हैं? हाँ साथ है, दे रहे हैं। नहीं दारू वारू नहीं पीते हम लोग, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, वो सब नहीं पीते, वो सब नहीं करते। अब मंदिर लेके जाएंगे वो सब, पागल है क्या? हाँ थोड़ा सा समझो ना यार, मंदिर जा रहे हैं, बताओ दारू वारू कौन लेके जाता है, कुछ नॉलेज होना चाहिए, पूछता है एकदम। तो इधर से गेट बन रहा है, हम लोग भी इधर से जाएंगे, मेन गेट से जाएंगे। ये देखो भाई, यही तो वाइब चाहिए एकदम हम लोग को, मजा आना चाहिए ऐसे ही, पहाड़ों में राइड करने का अलग ही मजा है। पुराना दिन याद आ गया,
पुराना हेमरोम का वहां गए थे उस समय याद आ गया ऐसे ही भाई। अरे इधर से ले जाएगा उड़ा देगा। सो गाइज फाइनली देख लो मरसल्ली पहाड़ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर नहीं हुआ करता था पर अभी मंदिर बन रहा है और गाइज इधर का व्यूज चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोग फटाफट भाई फटाफट एकदम वीडियो शूट करेंगे क्योंकि लेट बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लेट करेंगे तो देख रहे हो सूरज थोड़ा सा और फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी आज तो ऐसे भी मौसम बहुत ख़राब है, ठंडा ठंडा लग रहा है हल्का। हाँ Later. देखो अंधेरा होने वाला है, सनसेट भी हो चुका है। तो पीछे साइड हम नहीं दिखा सकते हैं भाई, बहुत खतरनाक चीज चल रहा है। सुसु कर रहा है इसलिए नहीं दिखा सकते, समझे। बेल्ट लगा रहा है, देखो अभी दिखा सकते हैं, बेल्ट लगा रहे हैं। हाँ भाई, हाँ देख लो भाई, वही है जो सुसु कर रहा था। ओ तो चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बहुत फेमस मंदिर है गाइस मरसल्ली पहाड़। यहाँ पे सोमवार सब में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, देख रहे हो इधर पहाड़ ही पहाड़। हाँ तो इधर सुनिए, इधर सुनिए, डंटा मत मारिए, ऐसे करके डंटा मारिएगा। रात का समय है ना, शाम हो रहा है, किसको देखेगा? आपको दिख रहा है, दूसरा को नहीं ना दिखेगा। तुमको दिख रहा है, हमको दिखा, इसलिए तो हम बोले ना आपको। हाँ तो पैसा चाहिए तो अलग बात है ना। अब पैसा एकदम डंडा को ना ऐसे कूच रही है दूसरा को, तो दादी पता नहीं चढ़ाई थी कि क्या जो। ओ भाई ओ हो ये साउंड है। सो गाइज यार गिम्बल मेरे पास था तो गिम्बल इसको दे देते हैं और हम जाएंगे इधर से घर, क्योंकि मेरे साथ हेमरोम लोग भी है भाई। 89 जने ही जाएंगे क्योंकि शाम हो गया। हाँ हेलो, ठीक से भाई? और भी कुछ है? और भी कुछ है? चलो गाइज ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और यार अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धमाका के लिए रेडी रहना नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय गाइज़।